आज के इस माइक तो बहुत अच्छा है, इस माइक को डिस्टर्ब नहीं करना माइक वालों, बहुत बढ़िया कर रखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। हिंदी अकादमी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन निरंतर रूप से आप लोगों से मिलना होता है बिना किसी भूमिका के, समय कम है, मंच से भी आशीर्वाद चाहूँगा और आप लोगों का भी साथ चाहूँगा, मुझे भूमिका ना बनानी पड़े इसीलिए मैं आपसे केवल इतना सा कह रहा हूँ, भट्ट साहब, संजय गर्ग साहब और तमाम श्रोताओं कि प्यार से तुमने पुकारा, आ गया हूँ प्यार दो, प्यार से तुमने पुकारा, आ गया हूँ प्यार दो, गा रहा हूँ दर्द माँ का, आंसुओं की धार दो, और आज हर पत्थर को फिर से दिल बनाकर जाऊंगा, हो सके तो आप अपनी तालियां उधार दो। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अभी आईएएस अधिकारी थे, वे काव्य पाठ कर रहे थे। आईएएस अधिकारी होने के बावजूद वे शायर, और मुझे इसी दौर में आईपीएस अधिकारी याद आते हैं, मुरैना मध्य प्रदेश में कोई भी कवि सम्मेलन हो तो उनके बारे में जब मैं ना बोलूं तो मेरा काव्य पाठ अधूरा रहता है। आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार थे, जहां पर खनन माफियाओं ने उनको ट्रैक्टर से कुचल दिया था, आज से 12 वर्ष पूर्व की बात है, और जब उनका तिरंगे में लिपटा हुआ शव आया था तो उनकी गर्भवती बीवी थी और अपने ससुर जी से कह रही थी कि पिताजी रोते क्यों हो, एक नरेंद्र गया तो क्या हुआ, चिंता मत करो, 20 दिन बाद ये दूसरा नरेंद्र दुनिया के अंदर आने वाला है। ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, जहाँ पर हाड़ा रानी जन्म लेती है, पन्नाधाय जन्म लेती है। नाम मेरा शहनाज हिंदुस्तानी है, लोग कहते शहनाज हिंदुस्तानी, मेरे नाम में जब मजहब को जोड़ते हैं तब मुझे कहना पड़ता है कि शहनाज हिंदुस्तानी। एक चीज कहना चाहता है कि धर्म विशेष के लोगों को भी खुश करना मुझे आता है, धर्म विशेष के लोगों को भी खुश करना मुझे आता है, लेकिन क्या इस स्वार्थ से मेरा जमीर नहीं मर जाता है, मेरा बन संभालना और मुझे बताना कि ये लाल किले का कवि सम्मेलन है, पूरा सभागार मेरे लिए नहीं, जिनके लिए कह रहा हूं वहां तक आपकी तालियां पहुंचे, कि धर्म विशेष के लोगों को भी खुश करना मुझे आता है, लेकिन क्या इस स्वार्थ से मेरा जमीर नहीं मर जाता है, और कौन सा मजहब कहता है जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, रास नहीं आता जिसे ये वतन तो सीने में उसी के गोलियों से छेद करो, हमको समाज के नपुंसक नुमाइंदों की जरूरत नहीं, और भगत सिंह अब्दुल हमीद के इस भारत में मीर जाफर जयचंदों की कोई जरूरत नहीं। भगत सिंह अब्दुल हमीद के इस भारत में मीर जाफर जयचंदों की कोई जरूरत नहीं। तब मुझे याद आता कि तिरंगे में लिपटा हुआ शव आया था तो उसके शव को देख करके वो गर्भवती बीवी कहने लगी, सुनिएगा, कि नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मेरा ये सिंदूर भारती के काम आया है, कि नाज मुझे खुद पर, हल्के से मॉनिटर बढ़ा दीजिएगा, कि नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मेरा ये सिंदूर भारती के काम आया है, और पिता की चिता को आग भाई बेटे देते आए, पर ये सम्मान आज पत्नी ने पाया है, पिता की चिता को आग भाई बेटे। अभी तो मैंने आपको कहा भी नहीं तालियां बजाने के, लेकिन ये जब ये बंद पूरा हो जाए तो गणतंत्र दिवस को महामहोत्सव में तब्दील करना और दोनों हाथ आपके ऊपर उठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कि नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मेरा ये सिंदूर भारती के काम आया है, पिता की चिता को आग भाई बेटे देते आए, पर ये सम्मान
आज पत्नी ने पाया है, तो आपका ये बलिदान आन बान और ईशान मेरी कोख के लिए सबक बन आया है। दोनों हाथ खोलने के तैयार है ना, कि आपका ये बलिदान आन बान और ईशान मेरी कोख के लिए सबक बन आया है। और 7 महीने का गर्भ झूम झूम कह रहा, आज मेरे पापा ने तिलंगा लहराया है। 7 महीने का गर्भ, 7 महीने का गर्भ झूम झूम कह रहा, आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है, आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है। हिंदुस्तानी करते हैं तुझको सलाम, इसमें कहीं राजनीति नहीं है, अगर देशभक्ति है। दोनों हाथ उन्मुक्त मन से खोलिए, शहनाज हिंदुस्तानी आपके बीच में, दोनों हाथ खोलिए और ताली बजाते हुए, हिंदुस्तानी करते हैं तुझको सलाम, ए जवान ये विदाई नहीं तेरी ये बारात है। बहनों की अर्थी पे चुनरी ओढ़ाते भाई, तूने पहना तिरंगा देश की सौगात है। अकियों से नीर बहे नदियां सागर बन, हर एक धार पे तो बस तेरा नाम है। मौत जैसे शब्द की तू परिभाषा बन गया, परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम है। मौत जैसे शब्द की तू परिभाषा बन गया, परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम है, परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम है, परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम है। आज मैं आपके बीच में इस गणतंत्र के मौके पे कहना चाहता हूं, मैं बहुत कम इन हालातों में पढ़ता हूं कि मैं जब पढ़ता हूं तो सामने वाला कुछ खा रहा है, पी रहा है और मजे ले रहा है, क्योंकि ये देशभक्ति की बात जब मैं कहता हूं तो मेरा भी मन करता है कि जिस शिद्दत के साथ मैं पढ़ रहा हूं सुनने वाला भी उसी शिद्दत के साथ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि जानता भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपके बीच यहां खड़ा होकर इस हिंदुस्तान के अंदर खुददारी से एक चीज कह रहा हूं, अगर आपको लगे कि मेरी बात ठीक है तो एक भी हाथ खामोश ना रहे कि हिंदुस्तान की स्थिति क्या है। यह है कि माना हमने, मैं जिस जगह से आता हूं इसीलिए तो कहता हूं कि हाथ में कुछ होता है तो आदमी बातें करने लगता है। मैं पहले से कुछ भी करो पर मुझे सुनिएगा, मैं जिस जगह से आता हूं उस जगह के लिए कहते हैं कि सब अपने अपने सूबों हैं के चीफ मिनिस्टर, अजमेर में रहता उनका प्राइम मिनिस्टर, अजमेर ख्वाजा साहब के वहां से और पुष्कर की धरती से चल के आपके बीच में प्यार बांटने आया हूं, तब एक चीज खुददारी से कह रहा हूं कि माना हमने कई युग जीते, माना हमने कई युग जीते, तीरों और तलवारों से लाख सहे सूखा, पर शिकवा करते नहीं बहारों से। मेरी खुददारी पर हस्ताक्षर आपको करना है। माना हमने कई युग जीते, तीरों और तलवारों से लाख सहे सूखा, पर शिकवा करते नहीं बहारों से। अपनी पर आ जाए तो दुश्मन को खाक बना दे हम, मगर यहां फुर्सत तो पाए छुपे हुए गद्दारों से। बहुत अच्छे। अपनी पर आ जाए तो दुश्मन को खाक बना दे हम, मगर यहां फुर्सत तो पाए इन छुपे हुए गद्दारों से। आज भट्ट साहब, संजय गर्ग साहब और पूरी आपकी हिंदी अकादमी, आप सबकी तरफ से पूरे देश को, परसों के दिन मैंने गीत लिखा था, क्योंकि मैं कई गीत यहां पर पढ़ता हूं, पर मैंने सोचा कि आज देश की जरूरत है, मैंने वो गीत बहुत मुश्किल से लिखा, लेकिन आज मैं आपको पढ़ने की इजाज़त मांगता हूँ आप लोगों से। आप एक बार ताली बजाकर इजाज़त देंगे, क्योंकि भाई वो मेरे को याद तो है नहीं, तो मुझे थोड़ा देख के पढ़ना है। और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी पीछे बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि सबको प्रतिनिधि रचना पढ़नी है जी भाई। और सब ने प्रतिनिधि रचना ही पढ़ी, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, मैं भी वही कर रहा हूँ। स्वागत, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। हल्का सा इक्को दे सके दे दीजिए। मिट्टी ये मेरी, इसको गीत का बना दीजिए माइक, थोड़ा सा गीत वाला माइक बना दीजिए। मिट्टी ये मेरी, ये गीत मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूँ कि आज मेरे सामने हमारे पत्रकार रेशमा आफरीदी जी, सलीम भाई, हमारे इरफान भाई, वसीम भाई, रविकांत भाई, त्रिवेंद्र पाठक जी, कई मेरे साथी में बैठे हुए, कह रहे हैं कि शहनाज भाई याद नहीं है तो भी वो सुनाना, क्योंकि आज की जरूरत है। सुनिएगा एक बार फिर से, चाहता हूं कि सफर में अगर जरा सा भी तुम्हारा साथ मिल जाए
सुकून वाली कोई शायद मुझे भी रात मिल जाए, और लूटा शब्दों की मोती में फकीरी में जी लूंगा, तुम्हारी तालियों की अगर मुझे सौगात मिल जाए। मैं शुरू करता हूँ, जोरदार ताली बजा के बजा दीजिए कि सुनना चाहते हैं। मिट्टी ये मेरी, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है। अगली लाइन में आपका साथ मिले मैं समझूंगा कि मैं अजमेर पहुंच गया और पुष्कर पहुंच गया, सुनेगा। मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। बन सुनिएगा। भारत की मिल्कियत है वो भारत में रहेगी, भारत की मिल्कियत है वो भारत में रहेगी, गंगो जमन की आबो हवा यूं ही बहेगी, गंगो अगली पंक्ति पे आपका प्यार चाहिए, गंगो जमन की आबो हवा यूं ही बहेगी, पुष्क गंगो जमन की आबो हवा यूं ही बहेगी, ख्वाजा के दर से बाद सबा दे रही सदा, पुष्कर को छूने से ही उसे मिलता सुखन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। और सुनिएगा, मैं यहाँ पर जो हमारी बहनें बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है, केवल उनको दे रहा हूँ, अगर वे मुझे उस रूप में मानती हैं तो उनकी तालियां जरूर मिलेंगी, उनके साथ साथ उनके भाइयों की भी मिलेगी। सद कैसा मेरा देश, सदियों से यहाँ प्रेम की अद्भुत रही झांकी, सदियों से यहाँ प्रेम की अद्भुत रही झा, दूसरी पंक्ति आपका पूरा आशीर्वाद चाहती है। सदियों से यहाँ प्रेम की अद्भुत रही झाकी, राधा जहाँ शहनाज को भी बांधती राखी, सदियों से यहाँ प्रेम की अद्भुत रही झांकी, राधा जहाँ शहनाज को भी बांधती राखी, पावनता की विशालता ये देख विश्व में, भारत के दुश्मनों को इससे ही तो जलन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। चिड़िया नाल ते बाज लड़ावा, सवा लाख तो एक लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह तो लाल कहावा, चिड़ियाओं से जो सीना तानी कर लड़ाते बास, भट्ट साहब गर्ग साहब, चिड़िया कैसा मेरा देश, चिड़ियाओं से जो सीना तानी कर लड़ाते बस, अंजाम की परवाह नहीं करते हैं वो शहनाज, घावों से छलनी हो के भी हासिल फतेह करे, दोनों हाथ खोल लीजिएगा, घावों से छलनी हो के भी हासिल फतेह करे, भारत में ही फकत ये वीरता का चलन है, मिट्टी ये मेरी, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है।
और ये मैंने आने से पहले फेसबुक पे ये चार लाइन डाली थी कि इस देश को मैं 125 अरब की आबादी को ये देश को एक मैसेज देना चाहता हूँ लाल किले पे जाने से पहले, और भट्ट साहब को भी भेजा था मैंने ये क्या। कुरान ने मुझे तो, और ये पंक्तियाँ विशेषतों से अच्छी है नहीं है जैसी भी है, आदरणीय मंगल नसीम जी, सुरेंद्र शर्मा जी और डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, आपकी झोली में डाल रहा हूँ। कुरान ने मुझे तो, कुरान ने मुझे तो सब्र करना सिखाया, कुरान ने मुझे तो सब्र करना सिखाया, और राम ने कांटो के पथ पे चलना सिखाया, और राम ने कांटो के पथ पे चलना सिखाया। पूजा नमाज एक चटाई पे, पूजा नमाज एक चटाई पे होते देख, हैरत में है दुनिया की ये कैसा वतन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। आखिरी पंक्ति इस, ये मेरा आखिरी बंद है मेरे काव्य पाठ का, और मुझे विदा दीजिएगा। स्वागत भाई, बहुत क्योंकि मेरी ये विधा नहीं है गीत, मेरी विधा कविता है, लेकिन कई बार जरूरत होती है तो वो गीत पढ़ना पड़ता है, मैंने आज वो पढ़ा है आपके बीच में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अव्वल हो सबसे अपना दर्जा, ये हिंदी अकादमी इसके हेड आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, मेरे बड़े भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी, उन सब की तरफ से ये एक चीज देना जा रहा हूं मैं। अव्वल हो सबसे अपना दर्जा, अब ये फिक्र हो, अव्वल हो सबसे अपना दर्जा, अब ये फिक्र हो, दुनिया की हर जबान पे बस अपना जिक्र हो, तालीम और तहजीब की मिसाल ये कहे। आखिरी पंक्ति हाथ उठा दीजिएगा। तालीम और तहजीब की मिसाल ये कहे, मकसद हमारा मुल्क में बस चैन अमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन।